जिंदगी में जो भी कम रिस्क लेना चाहता है वो या तो पोस्ट ऑफिस में पैसे लगाता है या फिर बैंक में लगाता है, एफडी करता है, उसको डर ज्यादा रहता है। लेकिन जिसको डर कम होता है वो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, वहां पे डर कम हो जाता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा डेयरिंग बाज होता है वो डायरेक्ट एंट्री कर लेता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते जो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं, क्योंकि वहां पे ये आपका रिटर्न या तो डूबेगा या आपको बंपर रिटर्न मिल जाएगा, यानी कम समय में ही आप बिल्कुल मालामाल हो सकते हो। और जिस तरह से स्टॉक दौड़ रहे हैं और लोगों को रिटर्न दे रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों के अब रुझान भी बढ़ने लगा है पेनी स्टॉक की तरफ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पेनी स्टॉक में निवेश करके हम भी रातों रात अमीर बन जाएं, लेकिन सबसे बड़ा डर ये होता है कि वहाँ पे फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, आपका निवेश डूबने की संभावना पूरी होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप पेनी स्टॉक में निवेश करें तो बेसिक फंडामेंटल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी ही चाहिए। और वो क्या है कि कम से कम कंपनी प्रॉफिट में हो, कंपनी का कारोबार पिछले 1 साल से अच्छा चलता हो, प्रमोटर भी मजबूत हो और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें आगे बढ़ने की संभावना हो। ऐसी कम से कम फंडामेंटल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो, तभी आप उसके बारे में, निवेश के बारे में सोचें। तो फ्रेंड्स, ये तकलीफ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान करने के लिए मैं रेगुलरली पेनी स्टॉक पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे पेनी स्टॉक ढूंढ के निकालता हूँ जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना कम हो। भले ही आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिले या उसके प्रदर्शन में कुछ कमी हो, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे जो पॉजिटिव बात यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट पूरी डूबने की संभावना ना हो, ये इसकी जवाबदारी में लेने की कोशिश कर, ऐसी मैं संभावना तलाशता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज भी मैंने आपके लिए दो शानदार पेनी स्टॉक ढूंढ के निकाले जहाँ पे बम्पर रिटर्न मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, एक एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और दूसरा एक है टेलीकॉम पावर सेक्टर का शेयर जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, आपके निवेश को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा तेज पॉजिटिव है और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है लग रहा है ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पेनी स्टॉक है, निवेश लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि यहाँ पे निवेश डूबने की भी संभावना बनती है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा पहला पेनी स्टॉक है वो है उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशन लिमिटेड। 1997 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 12.94 करोड़ रुपीज का है और कंपनी लर्निंग और एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। Q1 में कंपनी ने टोटल इनकम 0.17 करोड़ रुपीज़ की बताई है, जो अप है 13.41% मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 0.15 करोड़ रुपीज़ थी, जो डाउन है 8.16% पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 0.18 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.01 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप देख लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है, प्रदर्शन इनका बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी गिरावट है। और इसके पीछे पूरी वजह COVID-19 है। कोविड की वजह से एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी, पूरी तरह से स्कूल कॉलेजें बंद थी और यहाँ पे इस सेक्टर में कमी हमें देखने को मिली। लेकिन अब धीरे धीरे एजुकेशन सेक्टर खुलने लग गए, स्कूलें चालू हो चुकी है, तो यहाँ पर अब तेज़ी बनेगी। ये शेयर आपको कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। 41.86% 41.09% की होल्डिंग मार्च में थी प्रमोटर की। जून क्वार्टर में भी उसको अनचेंज रखा, लेकिन सितंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। यानी 41.86% की होल्डिंग प्रमोटर ने कर ली है। कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। FIA का शानदार निवेश है। 6.67% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में उन्होंने 6.76% रखा, लेकिन सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया है, यानी 3.74% कर लिया है। तो यहाँ पे FIA का निवेश घटा है। DI की बात कर लेते तो 3.27% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से बना के रखी हुई है। और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग ली हुई है, और जो 3 क्वार्टर से अच्छे, तो लगातार इनका इस छोटे से पेनी स्टॉक में निवेश सबका है। FIA देख लो, म्यूचुअल फंड या फिर बड़े फंड है, वो सब ने निवेश किया हुआ है। अदर्स की बात कर लेते हैं तो 48.97% की होल्डिंग मार्च में थी, 48.97% जून में भी रही, सेप्टेम्बर में इनकी होल्डिंग बढ़ी है, यानी 51.13% की होल्डिंग हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यहाँ पे इनका कोई गिरवी शेयर नहीं है। FIA, DI और म्यूचुअल फंड का यहाँ पे अच्छा खासा निवेश है, तो ये स्टॉक निवेश के लिए अच्छा बन रहा है। छोटा सा पेनी स्टॉक है, कमाल कर सकता है। आज के कारोबार की बात करें तो 4.90 पे यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा है। और
अगर इसके हम प्रदर्शन की बात करें तो 2010 में इसकी 49 रुपी तक हाई थी, वहां से स्टॉक गिरते हुए बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आया, यानी 75 पैसे का हो गया था 2019 में, और वहां से स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। 1.2052 वीक का लो है, 7.9552 वीक का हाई है, तो बहुत अच्छा स्टॉक दौड़ रहा है। और अगर इसके प्रदर्शन को हम देखें तो पिछले 5 साल में इसने 66.10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 200% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 ईयर के हिसाब से 262.96% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 25.64% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 24.05% का पॉजिटिव रिटर्न है, और फिलहाल 1 डे के हिसाब से हमें 5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो पिछले 5 साल में इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक मजबूत है। जून क्वार्टर के अगर आंकड़े को हम चेक करें तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी इनका रिवेन्यू 13.24 लाख रुपीज़ का, जहाँ पे 11.97% की हमें गिरावट देखने को मिली है। नेट इनकम 57,000 की रही है, तो वहाँ पे करीब 56.15% की हमें गिरावट देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.31% है, जहाँ पे 50.12% की निगेटिव रिटर्न मिला, यानी गिरावट देखने को मिली है। तो यह आंकड़े जून के थोड़े डिसअपॉइंट करने वाले, लेकिन अब ये जो प्रदर्शन है इसका आगे तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो 2018 में 1.08 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था और लॉस इनका हुआ था 0.16 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में रिवेन्यू मिला 0.95 करोड़ रुपीज़ का और इनका रिवेन्यू लॉस इनका रहा 0.10 करोड़ रुपीज़ का है। 2020 की बात करें तो 0.83 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू और इनका प्रॉफिट हो गया है 0.05 करोड़ रुपीज़ का, यानी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई। बात 2021 की करें तो 0.72 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला है और इनका प्रॉफिट है 0.03 करोड़ रुपीज़ का। तो फिलहाल 2020 से कंपनी प्रॉफिट में है, ये सबसे अच्छी बात है, और इसका प्रदर्शन जारी है, ये तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है और आने वाले समय में इसकी प्राइस फ्रेंड्स बढ़ सकती है, यह स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, यानी आने वाले समय में इसकी प्राइस आपको करीब 100 क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकती है आने वाले 5 साल में। तो निवेश करें, ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे दूसरे पेनी स्टॉक की तरफ, जो है सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। 1989 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 127.61 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी केबल सेक्टर का कारोबार करती है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए केबल बनाती है, साथ में कंपनी का पावर सेक्टर का कारोबार है, और इसी सेक्टर के दम पे कह सकते हैं यह स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, और जिसके दम पे कह सकते हैं यह कंपनी आगे आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। अगर हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 8.98 करोड़ रुपीज़ के लिए, जो 3.25% ज़्यादा है मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 8.70 करोड़ रुपीज़ थी और 14.17% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 7.87 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.15 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी ने अपने इनकम में बढ़ोतरी की है, जो एक बहुत अच्छा इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो सबसे अच्छी बात निकल गई यहाँ पे आ रही है कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी 75% की होल्डिंग प्रमोटर ने लेके रखी है, और आपको पता ही होगा 75% के ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते, ये लिमिट है, और कोई भी इनका शेयर गिर भी नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है। FII का यहाँ पे निवेश नहीं है, लेकिन DII का शानदार निवेश है, 0.05% की होल्डिंग लेके रखी हुई है 3 क्वार्टर से। DII के बाद में म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 0.04% की होल्डिंग ली हुई है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, और अदर्स की बात करें तो 24.95% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो आप देख लो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग ली हुई है, बड़े फंड हाउस ने होल्डिंग ली हुई है, प्रमोटर 75% की मजबूत होल्डिंग के साथ खड़े हैं, कोई भी इनका शेयर गिर भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, और जिसके दम पे कह सकते हैं यह स्टॉक आने वाले समय में आपके लिए कमाल कर सकता है। अगर आज के कारोबार की बात करें तो 9.55 पर यहाँ पर 2.05% डाउन पर है स्टॉक, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। फ्रेंड्स, मई 2021 में इसकी प्राइस मात्र 4 रुपीज़ थी और वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, और 3.65 इसका 52 वीक का लो है, 11.15 इसका 52 वीक का हाई है, और फिलहाल स्टॉक करेक्शन हो चुका है, करेक्ट होने के बाद अब दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है, निवेश कर सकते हैं। अगर हम इसके रिटर्न को चेक करें तो पिछले 5 साल में इसने 74.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 104.30% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और 1 ईयर के हिसाब से 3 ईयर के हिसाब से 104.30% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 ईयर के हिसाब से 153.33% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और 3 मंथ के हिसाब से 52% का पॉजिटिव रिटर्न है। फिलहाल 1 मंथ के हिसाब से 1.55% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, और 1 डे के हिसाब से यहाँ पे करीब 2% का निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले 1 महीने से स्टॉक ने
आपको पता ही है ये करेक्शन के दौर में था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अब ये स्टॉक तोड़ने को तैयार हो चुका है, इस समय आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो 2018 में 37.67 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट हुआ था 1.88 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 36.45 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 5.76 करोड़ रुपीज़ का। और 2020 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 36.84 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया और इनका प्रॉफिट भी बढ़कर फ्रेंड्स 6.93 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया। लेकिन 2021 में यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमी आई और इसके पीछे वजह आपको पता ही है, कोविड-19 है। तो 31.30 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट 3.42 करोड़ रुपीज़ का रहा। तो सबसे अच्छी बात यह है 2018 से कंपनी लगातार प्रॉफिट में और इनका रेवेन्यू भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कमी है तो ये कोविड की वजह से, परंतु इस बार ये प्रदर्शन अच्छा है और जिस तरह से लग रहा है कि स्टॉक कमाल कर रहा है, ये आने वाले समय का मल्टीबैगर हो सकता है साबित, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल पावर सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोले हुए और जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को भी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है, तो ये टेलीकॉम सेक्टर का भी कारोबार करती है और साथ में इसका जो कारोबार है वो पावर सेक्टर का भी है, तो इसको डबल बेनिफिट मिल सकता है और इस वजह से स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। एक बार हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को भी देख लेते हैं तो रेवेन्यू 7.16 करोड़ रुपीज़ का निकल कर आया है, जहाँ पे 2.59% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम इनकी 2.15 करोड़ रुपीज़ की है, तो 47.93% की शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड ईपीएस 0.23 है, तो 187.5% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 30.05% है, तो 44.19% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। तो सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस रिजल्ट पे दम पे कह सकते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर टू का वो इससे भी शानदार हो सकता है और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। और फ्रेंड्स, इस स्टॉक में आप निवेश करें, आने वाले 5 साल में स्टॉक बंपर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और जिस तरह से इसका प्रदर्शन जारी हुआ है उससे लग रहा है कि स्टॉक इस बार कमाल करेगा, पावर सेक्टर के शेयर सब दौड़ रहे, यह स्टॉक भी आने वाले समय में कम से कम आपको 500 का टारगेट टच करता हुआ दिखाई देगा, तो निवेश करें, यह आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।